जय श्री राम। आज का विषय राहु 11th हाउस में कि आपके 11वें घर जिसको हम लाभ का, प्राप्ति का, प्रमोशन, तरक्की का और इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं, वहां पर राहु आपके अगर कुंडली में बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको ध्यान से सुनिए कि ये राहु 11th हाउस में बैठ के आपको क्या देगा और राहु की दशा अगर जीवन में आएगी तो वो आपको क्या रिजल्ट देती है। जैसा कि मैं अब तक राहु दशम भाव तक क्या फल देता है उसके बारे में बताया, और राहु का स्वभाव है कि भाई ये प्लेनेट हमेशा कुछ बड़ा, कुछ बेहतर करने की इच्छा रखता है, इसको परिवर्तन पसंद है, स्वार्थी है, क्योंकि इसके स्वभाव के अंदर ऐसा है, क्योंकि एक प्लेनेट राक्षस ग्रह है, निर्भीक है, साहसी है, उदंडी है, अड़ियल रवैये वाला प्लेनेट है, सडन गेन सडन लॉस देने वाला प्लेनेट है, किसी भी ट्रैक को बहुत लंबे समय तक चलने नहीं देता, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहना चाहिए, ये उसके स्वभाव में देखा जाता। अब ये प्लेनेट जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है और जब लेने पे आता है तो बहुत कुछ लेता भी है, ये इसकी अवस्थाओं पे निर्भर है। इसलिए मैं शुरू से ही हमेशा बताता आ रहा हूं कि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो राशि अगर शुक्र बुध और शनि की राशि है तो वो उसके मित्र की राशि है, राहु वहां पर बैठकर खुश महसूस होता है। उसके अलावा अगर सूर्य चंद्र मंगल और गुरु जैसे प्लेनेट की राशियों में राहु होता है तो वो इतना कंफर्ट फील नहीं करता। नियम सभी सातों ग्रहों के लिए यही है कि अगर राहु 11th हाउस में आपके बैठा है और उसकी राशि का मालिक अच्छे भाव में बैठ गया है, यानी केंद्रीय त्रिकोण में बैठ गया है या उच्च का हो गया या स्वराशि का हो गया, तो ऐसा राहु अपनी दशा में अच्छे फल देगा। इसके विपरीत वही प्लेनेट अगर पीड़ित हुआ है तो वो खराब फल देगा। अब मोटे तौर पे देखें तो राहु अगर 11th हाउस में आपके बैठ गया तो 11वां घर एक तो इच्छाओं का है और 11वां घर है इनकम का, और राहु के हाथ में अगर ये डिपार्टमेंट आए तो चाहे व्यक्ति कैसा भी हो लेकिन राहु 11th हाउस में बैठकर उसको आय के साधन बना के रहेगा। कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, कहीं से भी कोई भी तिकड़मबाजी लगाएगा, लेकिन पैसा कमा के लाएगा। इसमें राहु की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है, जिसकी राशि में बहुत अच्छा है, तो राहु की दशा में बहुत अच्छे प्रमोशंस, लाभ और तरक्की देखी जाती है। इसलिए सबसे पहले देखा जाता है कि राहु जो प्लेनेट है वो लाभ के भाव में है, और लाभ का भाव यानी सीधा सीधा हमारा, हमको कहीं से कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ तरक्की हो रही है, कुछ इनकम बढ़ रही है, ये 11th हाउस है, क्योंकि 11वां घर वृद्धि का भाव है, और वृद्धि के भाव के अंदर अगर कोई प्लेनेट जाता है तो उसकी वृद्धि हो गई, और वृद्धि हो गई तो ये वृद्धि राहु की वृद्धि है, यानी ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है हाउ टू गेन, पैसा कैसे कमाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, कैसे पैसे बनाने की योजना बनी जाए, ये ऐसे लोगों के दिमाग में रहती है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का भाव है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, और 11वें घर से बैठकर राहु 3, 7, 11 को दृष्टिवत देखता भी है, इसलिए ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और बढ़ती रहती हैं। अगर कोई चीज़ के बारे में सोचा, वो मिल गई, और बढ़िया चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, अब मुझे ऐसा चाहिए, अब मुझे वैसा चाहिए, अब मुझे और अच्छी जगहों पे घूमना है, और अच्छा खाना है, और अच्छा पहनना है, और अच्छा कमाना है, यानी इन चीज़ों की जिज्ञासा बढ़ती है। अब ये 11वां घर अशुभ भावों में आता है, ये 3, 6, 11 में भी आता है जिसको हम त्रिषडाय भाव बोलते हैं, और ये 3, 6, 10, 11 में भी आता है जिसको हम उपचय भाव बोलते हैं, यानी ये अंत है कि संघर्ष है, मेहनत है, जद्दोजहद है, प्रोफेशनल लाइफ है, सब कुछ है, तब जाके लाभ मिलता है। और अशुभ भाव के अंदर अशुभ ग्रह तो राहु क्या है, 3, 6, 11 और 3, 6, 10, 11 तीनों ये दोनों स्थितियों में बैठना उसको अच्छा लगता है कि 11th हाउस में राहु बैठता है, अशुभ ग्रह अशुभ भाव में है, तो इसके भीतर सामर्थ्य है कि ये आपको इच्छा पूर्ति करेगा, ये आपको कुछ देगा, ये आपको गेन देगा, ये आपको लाभ देगा, क्योंकि उसको भाव भी पसंद है, क्योंकि वो 11वां भाव अशुभ भावों की श्रेणी में भी आता है, इसलिए हम इसको त्रिषडाय 3, 6, 11 और उपचय दोनों में ही कॉमन देखते हैं। और जब हम इसको कॉमन देखते हैं
तो राहु वहां पर बैठ के वृद्धि का काम करता है, इसलिए कहा जाता है राहु 11th हाउस में हो, उस पे धन भावों का संबंध हो, तो ऐसा राहु अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देता है। और अगर इसका अष्टम भाव से भी संबंध बने, फॉर एग्जाम्पल अष्टम का मालिक भी राहु के साथ है और शुभ प्रभाव के साथ, तो सडन गेन, अचानक से पैसा मिलना, रुका हुआ पैसा मिलना, गड़ा हुआ धन मिलना, लॉटरी मिलना, जुआ सट्टा मिलना, शेयर मार्केट से अचानक से बहुत मोटा पैसा कमाना भी राहु की ही बदौलत है। अब ये नेचुरल साइन ऑफ शनि है, क्योंकि काल पुरुष की 11वें घर की राशि शनि की कहते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर राहु 11th में है तो हम शनि को जरूर देखेंगे, क्योंकि कर्म से जुड़ा हुआ प्लेनेट है शनि। कर्म होगा तो लाभ मिलेगा, चाहे वो कैसा भी कर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म होके लाभ मिलने की स्थितियां ऐसी ही होती हैं। इसलिए अगर शनि भी बली है तो राहु और अधिक अच्छे रिजल्ट देगा। फिर देखेंगे जुपिटर को, क्योंकि गुरु 11वें घर का कारक है, धन का कारक है 11 गुरु ग्रह, इसलिए हमें धन से संबंधित स्थितियों के लिए क्या है, अगर राहु 11th में बैठा है, उसकी दशा आ गई, तो शनि को भी देखो और गुरु को भी देखो, और राहु जिसकी राशि में उसको देखो। इसलिए राहु को देखना आसान नहीं है कि राहु किसकी राशि में बैठा है उसको देखो, शनि कैसा है उसको देखो, गुरु कैसा है धन का कारक उसको देखो। अगर ये तीनों चारों बली हैं तो ऐसा राहु बढ़ चढ़ के बेहतर भूमिका निभाएगा। ये तीनों चारों ही कमजोर हैं तो राहु की दशा में डाउनफॉल होगा, और ये एवरेज है, यानी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो 50-50% आपको मिलता है। राहु 11th हाउस में बैठा, 11th हाउस बड़े भाई बहनों के लिए भी होता है, और उसका कारक होता है गुरु। अगर राहु वहाँ बैड इफेक्ट में है और कारक बृहस्पति भी पीड़ित है, तो या तो इनके बड़े भाई बहन होते नहीं हैं, होते हैं तो बहुत दूर रहते हैं इनसे, उनके साथ इनके संबंध ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये 11वां घर 12वें घर से बारवा है, इसलिए विदेश से लाभ लेना भी 11वें घर पे डिपेंड करता है। यदि आपका राहु किसी भी तरीके से 12वें घर से कनेक्टेड है, जैसे राहु जिसकी राशि में है वो 12वें घर में गया, या 12वें घर का मालिक राहु के साथ है या उसको देख रहा है, तो हम कह सकते हैं आप विदेश से जुड़कर पैसा कमाएंगे, विदेश से आपको गेन मिलेगा, टू ट्रैवलिंग से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों से फायदा मिलेगा। क्योंकि राहु क्या है, वायु तत्व ग्रह, 3, 7, 11 नंबर की राशियां भी वायु तत्व राशि कहलाती हैं। यानी अगर राहु 3, 7 या 11 नंबर की राशि में एकादश भाव में बैठा है और उसका स्वामी 12वें घर से संबंधित है, तो ऐसे ग्रह राहु की दशा में, या ऐसे लोग राहु की दशा में विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से जुड़कर लाभ कमाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि राहु का 3रे घर से संबंध भी है, इसलिए राहु से संबंधित दशाओं में परिवर्तन, चेंजेस, ट्रांसफर की संभावना बन जाती है। इसको हम छोटी छोटी यात्राओं के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ये लगन से 11वां है, यानी लगन में कौन है, आप खुद हैं, और ये आपका 11वां यानी लाभ है, यानी राहु आपका पेशेंस बढ़ाएगा, 11वें घर का राहु मेहनत करने की क्षमता देगा। ये आपका 11th है, इसलिए वो कहता है कि जी कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, आपसे मेहनत कराएंगे और आपको लाभ दिलाएंगे। ये 11वें लगन से 11वें राहु का फल है। भाग्य स्थान से ये 3रा स्थान कहलाता है, कि भी भाग्य बनाने के लिए पहले एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी मिलेगा आपको लाभ। वहीं कर्म भाव से ये 2रा भाव है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्म का धन, कि मैंने जो कर्म करा उसका मुझे पैसा मिला। कर्म की वाणी, कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो बोलचाल का इस्तेमाल किया है उससे मुझे पैसा मिला, तो ये उस लिए है। 2रे घर से 10वां है, यानी अगर आप देखिए 2रे घर से काउंट करेंगे तो 10वां भाव कौन सा आता है, 11वां, यानी पैसा जोड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। और पैसा हमेशा इनकम कहाँ से आती है, 11th हाउस में आती है, और 11th हाउस में राहु है, मजबूत है, तो आपको पैसा कमाएगा भी। और 11वें घर से 4था घर कौन सा होता है, 2रा, वो होता है 11वें का सुख, कि मैं सुख जब ही मानूं पैसे का, कि जब मैं महीने में कमाऊं 10 लाख और जमा करूं पैसे बहुत ज़्यादा और जोड़ लूं, मैं तब मानूंगा कि मुझे पैसे का सुख मिल रहा है। और पैसे का आना है और जाना है, आना है और जाना है, तो मैं कैसे मान लूं कि मुझे पैसे का सुख मिल रहा है।
क्योंकि धन जब तक आएगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं। इलेवंथ हाउस में राहु है तो क्या है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए जाएं, धन से संबंधित विचार और आइडियाज ऐसे लोगों के बारे में आते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं कि जी पैसा कैसे बनाऊं, क्या शेयर मार्केट से बना लूं, क्या जुआ सट्टा से बना लूं, क्या एक काम और जोड़ लूं, क्या नौकरी करते हुए व्यापार कर लूं, कुछ भी करूं लेकिन पैसा के कमाने की योजना है। अब ये राहु शुभ है तो ये आपको शुभ जगह ले जाएगा, फिर आपको अच्छे आइडियाज़ देगा और आप उनसे पैसा बनाएंगे। और ये राहु अगर अशुभ स्थितियों में हो रहा है तो क्या है, आप उस दौरान जो योजना बनाएंगे वो बार बार फेल होती रहेगी और आपका लॉस होता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि राहु इलेवंथ हाउस में अगर एक अच्छे ग्रह की राशि यानी कि ऐसे प्लेनेट की राशि में बैठा है जो केंद्र त्रिकोण में हो चुका है या स्वराशि का है, राहु का संबंध केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से है, राहु का संबंध दूसरे और ग्यारहवें के स्वामियों से है, तो हम इसको महाधन योग की कैटेगरी में लाते हैं। कैसा राहु अतुलनीय संपत्ति अपनी दशाओं में देने में सक्षम है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, ग्यारहवें घर में राहु को हम तरक्की से और प्रमोशन से भी जोड़ देते हैं। शास्त्र कहता है कि ग्यारहवां घर आमदनी का, प्रमोशन का, लाभ का है, और ये वृद्धि का है कि राहु इलेवंथ में जाएगा तो कहते हैं जी कुछ तो देकर जाएगा। अब बहुत बड़ा दे गया तो इसका मतलब आपके लिए वो बलि है, बहुत सूक्ष्म आपको दे गया तो वो समझ लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन देता जरूर है। अच्छी तरक्की, अच्छा प्रमोशंस, अच्छे पैकेजेस मिलना, बड़ा धन मिलना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना भी राहु से ही संभव दिखाई देता है। इसलिए डिपेंड हमेशा ये करेगा कि भाव तो ठीक है लेकिन भाव का नेचुरल स्वामी शनि है, नेचुरल कारक गुरु है, और तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है, वो किसकी राशि में बैठा है। अगर ये तीनों बली हैं तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि भाई मेरी राहु की दशा आ गई, ये मुझे 100% गेन देगी, मैं अब पहले जैसा नहीं रहूँगा, मैं राहु की दशा में स्टेप बाय स्टेप गेन करूँगा, लाभ लूँगा। तो ये था इलेवंथ हाउस जिसको हम लाभ का, प्राप्ति का, इच्छा पूर्ति का, गेन का भाव कहते हैं, उसमें राहु जैसा प्लेनेट अगर बैठ जाता है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। जय श्री राम।